हेलो बच्चों, क्वेश्चन सेज फाइंड द एनवेलप ऑफ सर्कल्स डिस्क्राइब ऑन द रेडियाई वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कर्व एस डायमीटर्स आर एस टू एन इज इक्वल टू ए एस टू एन कॉस एन थीटा। देखिए क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट फैमिली ऑफ कर्व है, सपोज पोलर फॉर्म में आर फाई और थीटा इक्वल टू जीरो, इसका इनवेलप फाइंड करना। यहां पर थीटा पैरामीटर है, पैरामीटर देखो, इनवोल्यूट फाइंड करने के लिए हमको थीटा को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। इसके लिए इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा, डेल एफ अपॉन डेल थीटा इक्वल टू जीरो, और थीटा और फाई में एक रिलेशंस मिल जाता है, उसको पुट करके हम इसको थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे थीटा एलिमिनेट होता है और हमें इनवेलप मिल जाते हैं, इस पर्टिकुलर कर्व का इनवेलप हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम क्वेश्चंस में अभी ये कर्व हमें दिया हुआ है, ये कर्व हमें दिया हुआ है, इस कर्व को हम देख लेते हैं और हमें सर्कल निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, देखो लाइन ड्रा करते हैं यहां से, सपोज ये यहां पर ले लेते हैं, इसको प्रॉब्लम नहीं, सपोज कोई कर्व, ये कर्व है, इस तरह से कर्व ले लेता हूं, एक कर्व है सपोज, ये देखिए ये पी पॉइंट है, ये जो गिवन कर्व है आर थीटा, इसके कोऑर्डिनेट है और एक्स है, ये थीटा है और ये आर हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है। अब ये गिवन कर्व एज ए रेडियाई वेक्टर हो गया, ये यहां से ले देते हैं ओपी रेडियस वेक्टर्स, और इसमें सर्कल हम बनाना चाहते हैं, देखो सर्कल को देख लेते हैं, सपोज एज ए डायमीटर, ये हम अगर एक सर्कल को बनाते हैं, सपोज एक सर्कल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, प्रॉब्लम है, ये सर्कल है, ओके। देखो इस सर्कल में क्यू पॉइंट ले लेते हैं, एक क्यू पॉइंट ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट आर फाई रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो आर है ये वाला पार्ट हो जाता है, देखो आर क्या है इसमें, ये वाला पार्ट कैपिटल आर ये हो जाता है, और ये कंप्लीट फाई हो जाता है, और ये जो एंगल है ये फाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो जाता है क्योंकि ये डायमीटर है, हमेशा ये 90 डिग्री हो जाता है। देखो इसमें ट्राइंगल में हमें ध्यान देना, ट्राइंगल ओ क्यू पी, ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू, ओ क्यू अपॉन ओपी इज इक्वल टू कॉस, जो भी एंगल आ रहा है यहाँ पे, कॉस का एंगल आ रहा फाई, फाई माइनस थीटा, वैल्यू रखेंगे कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू कॉस
फाई माइनस थीटा, एक रिलेशंस मिल जाता आर इज इक्वल टू आर कॉस फाई माइनस थीटा। ठीक, देखो इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो आर पावर एन इज इक्वल स्मॉल आर पावर एन कॉस पावर एन फाई माइनस थीटा। देखो आर एन का एक रिलेशंस रख देते हैं, ओके, आर एन इज इक्वल टू ए पावर एन यहां पर रख देते हैं, कर्व आ जाता है आर एन इज इक्वल टू आर पावर एन को हम लिखते हैं ए पावर एन कॉस एन थीटा इंटू कॉस पावर एन फाइव माइनस थीटा, एक रिलेशन आ जाता, यही लोकस है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हम लॉगोरिथम लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, टेकिंग लॉगोरिथम एंड डिफरेंशिएट, टेकिंग लॉग है ना ऑन बेस ई एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एन लॉग आर है ना, बेस ई है सबका, एन लॉग ए प्लस लॉग कॉस एन थीटा प्लस एन लॉग कॉस फाइव माइनस थीटा या जाता। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, देखो ये जीरो हो गया, ये पार्ट भी जीरो हो गया, ये पार्ट को देख लो, इस पार्ट को हम देख लेते हैं, तो वन अपॉन कॉस एन थीटा माइनस साइन एन सॉरी साइन एन थीटा साइन एन थीटा इंटू एन प्लस एन यहां पर आ जाएगा वन अपॉन कॉस फाइव माइनस थीटा इंटू माइनस साइन फाइव माइनस थीटा और माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मेरा एन से एन तो कट हो जाता, यहाँ पर आ रहा है टेन टेन फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू ध्यान से देख लें माइनस तो प्लस हो जाता है टेन एन फाइव एन थीटा। ठीक है, ये बन जाती है, देखो एक क्वेश्चन मिला एक रिलेशंस मिला और इसको लिख लेते हैं फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू एन पाई मतलब के पाई प्लस एन थीटा, ऐसा रिलेशंस ले लेते हैं इसके बारे में। तो देखो क्या हो गया, अगर थीटा में ले लेते हैं तो एन प्लस वन थीटा आ जाता है और ये देखो फाइव माइनस के पाई। ठीक है, तो एक रिलेशन मिल रहा थीटा इज इक्वल टू फाइव माइनस के पाई अपॉन एन प्लस वन, ये रिलेशंस फर्स्ट उसमें रख देंगे हम। देखो ये कहाँ रखेंगे, हमारे पास जो गिवन है रिलेशंस उसी में रख देंगे हम, ये सेकेंड में रख देंगे। ठीक है, और हमें एक लोकस मिल जाएगा, देखो सेकेंड हमारे पास है, इसमें पुट कर देते हैं
सेकेंड है हमारे पास आर एस टू एन इज इक्वल टू, ध्यान से देखो हमने निकाला था ए रेस टू एन, ए रेस टू एन कॉस एन थीटा इंटू कॉस पावर एन फाई माइनस थीटा में पुट करते हैं रिलेशन आर एस टू एन ए एन कॉस एन और थीटा का रिलेशंस हम पुट करते हैं। थीटा हमारे पास है फाई माइनस के पाई, ठीक है, थीटा है फाई माइनस के पाई अपॉन एन प्लस वन, ओके, सेम कॉस में रख लेते हैं पाई माइनस, ध्यान से देखना पाई माइनस के पाई अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, इसको प्लस में ही बदल देते हैं कि रिलेशंस आ गए करेक्ट वे में, लिख देते हैं आर एन ए एन कॉस एन फाई माइनस के पाई अपॉन एन प्लस वन, देखो इसको पॉजिटिव बना देते हैं, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिखा के पाई इसी टर्म में रहने देते हैं इसको माइनस फाइव अपॉन एन प्लस वन प्लस फाइव। अब सपोज हमारे करंट कोऑर्डिनेट है, सपोज हमारे करंट कोऑर्डिनेट ले लेते हैं आर थीटा से इसको रिप्लेस कर देते हैं, करंट कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट, तो देखो क्या बन जाता फाइनली आर एस टू एन ए पावर एन कॉस एन फाई माइनस के पाई अपॉन एन प्लस वन इंटू कॉस पावर एन के फाई पाई माइनस पाई अपॉन एन प्लस वन प्लस फाइव, ठीक है, ये हमारा लोकस आ जाता है, इसका इनवेलोप आ जाता है, इनवेलोप ऑफ दैट सर्कल आ जाता है हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।